गरियाबंद के चिचिया में शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने पत्रकारों के सवालों में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, यह पूछने पर अन्य मंत्रियों की भी दावेदारी जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि दावे तो बहुत करते हैं लेकिन भूपेश बघेल ही मुख्य चेहरा हमारा होंगे। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा 15 साल में सड़कों पर नहीं हवाओं पर सड़क बनाते रहे हैं, सड़क बनाते रहे। रायपुर का स्काई वॉक किसका उदाहरण है। मंदिर सौंदर्यकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 10 लाख देने की घोषणा किया था। मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना मेरे लिए गौरवशाली क्षण है। मानव मानव में किसी प्रकार के भेद नहीं होना चाहिए, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। समरसता के साथ सभी के विकास पर ध्यान देना होगा। उन्होंने मंदिर निर्माण में राशि 1 लाख तथा मंदिर से लगे तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और आगे प्रयास भी करेंगे। अच्छा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का एक बयान आया था विगत दिनों कि सीएम बनने की मेरी भी इच्छा है। क्या लगता है कि अगला चुनाव भूपेश बघेल जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा या चेहरा बदला जाएगा? मैं पुनः आप लोगों को वही बात दोहरा रहा हूँ, कौन नहीं बनना चाहता, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, आप भी बनना, लेकिन मेरे को छोड़ के बहुत लोग बनना चाहते हैं, लेकिन हाई कमान जिसको बोल देता है वो मुखिया होता है। और माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुखिया होंगे, हाई कमान ने कहा वो मुखिया है, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, और उनके नेतृत्व में लगातार अच्छा काम हो रहा है समाज के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो इससे अच्छा यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की योजना का पूरे हिंदुस्तान में तारीफ है उनका। तो जो अच्छा काम करता है उसको बदलता है क्या? चाहे आपके यहाँ का कमियाँ हो, चाहे कहीं का मुखिया हो, अच्छा काम करने वालों को हमेशा लोग रखना चाहते हैं। तो मैं पुनः उसी बात को दोहराता हूँ कि अगला चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ाएंगे। उनका एक बयान और आया था कि कांग्रेस का मेरे प्रदेश में उनका क्या हाल हुआ है, 15 साल उनको मौका मिला था, वो लोग जमीन में सड़क तो बनाए नहीं, आसमान में स्काई वॉक बनाने चले थे। उनका काम जनता सेवा से इनका कोई सरोकार नहीं है, जब मौका आता है तो केवल एक हथकंडा अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और उसी में लोग जो है कई जगह भ्रमित हो जाते हैं और इनको मौका मिल जाता है।